चंद्रपुर जिला सरकारी अस्पताल में आज सुविधाओं के चलते हुए बदहाली के आंसू रो रहे हैं। सीटीवी द्वारा जायजा लेने पर वहां असुविधाओं का आलम नजर आया। संविधान में देश की जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार के कंधों पर डाली गई है, लेकिन अब जानकारों की माने तो सरकार इस जिम्मेदारी का भार निजी कंधों पर डालने को तैयार है। कहने को तो सरकारी अस्पतालों में हजारों बिस्तर और मशीन है, लेकिन इनका इंतजाम बदहाल है। अस्पतालों में एक एक बिस्तर पर दो दो मरीज भर्ती कर इलाज की रस्म अदायगी हो रही है। जनता को बेहतर डॉक्टरी इलाज मुहैया कराने की तमाम सरकारी योजनाओं के बड़े बड़े होर्डिंग्स भले ही लोगों का ध्यान खींचते हो, पर इन योजनाओं को असरपार तरीके से लागू न करने के चलते मरीजों का हाल बेहाल है। यह तस्वीरें सरकारी अस्पताल के बुरे हालत उजागर करती है। यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर है। चंद्रपुर का जिला सरकारी अस्पताल अनगिनत समस्याओं को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है। हमारे सीटीवी के संवाददाता द्वारा अस्पताल का रुख करने पर वहां समस्या ही समस्या पाई गई है। देखा गया है कि वहां एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला बीमारी से जूझ रही थी, जो इलाज से वंचित थी। गौरतलब है कि जिला सरकारी अस्पताल में आए दिन गरीब तबका बड़ी तादाद में दूर दराज से इलाज के लिए आता है, लेकिन यहां की वास्तविक स्थिति भयानक है। स्वास्थ्य विभाग की यंत्रणा 100% फेल हो चुकी है। डेंगू के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, गरीब इलाज के अभाव में मर रहे हैं। प्रशासन केवल मुखदर्शक बना हुआ है। सरकार नित नई योजनाएं लागू कर रही है, लेकिन हकीकत में इसके नतीजे निराशजनक है।